महू में कोरोना पॉजिटिव 4 नए मरीजों के मिलने से उनकी संख्या 94 हो गई है। वहीं प्रशासन ने 13 कंटेनमेंट एरिया को डीनोटिफाइड किया है। प्रशासन द्वारा शहरवासियों को लगातार कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। महू SDM प्रतुल सिन्हा के अनुसार शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को लेकर एहतियात बरती जा रही है। सर्वे टीम भी अपना काम कर रही है। सर्वे टीम के माध्यम से लगातार क्षेत्र के लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें सर्दी, खांसी व जुकाम के अलावा अन्य गतिविधियों की जानकारी भी ली जा रही है। वहीं प्रशासनिक और पुलिस के द्वारा शहरवासियों को अनाउंसमेंट के माध्यम से घरों में रहने की अपील की जा रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। अभी जो कंटेनमेंट एरिया नए बने हैं, उसमें पंडा बस्ती एक नई जो क्षेत्र है वो आया है। सेवा मार्ग में भी पेशेंट मिले हैं, लुनियापुरा में भी पेशेंट मिला है। तो कंटेनमेंट एरिया को डीन कंटेन करने के लिए जो प्रोसेस है वो हम लोग कर रहे हैं, और अभी हम लोगों ने 13 एरिया जो पहले से कंटेनमेंट में थे वो हमने डी कंटेन किया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉकडाउन का जो आदेश है वो प्रभावशील है, तो यदि कोई एरिया डिकंटेन भी हो गया है तो लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और जो रूल है उसको फॉलो करना होगा। यदि कहीं उल्लंघन की बात आती है तो फिर वैसे स्थिति में कार्रवाई बनती है, और हम लोग कर भी रहे हैं। कुछ एरिया को हम लोगों ने चिन्हांकित किया है पिछले कुछ दिनों में, वहाँ पर केसेस भी हुए हैं। सख्ती करते हुए हमें कुछ लोगों को जेल भी भेजना पड़ा है। मेरा आपसे के माध्यम से सभी महू के निवासियों से अनुरोध है कि वो घर के अंदर रहें। ये संक्रमण, ये वायरस जो है कब किसको हो जाएगा नहीं पता। खास करके जो अधिक उम्र के हैं या छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा खतरे में रहते हैं। तो जो युवा हैं, जो कैरियर हो सकते हैं, इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण भले ही उन्हें कोई बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन वो दूसरों का संक्रमण दे सकते हैं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि वो घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। एक तो हम लोग लगातार सर्वे करा रहे हैं और उसके बाद उसका फॉलो कर रहे हैं। तो जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की, वो लगातार फील्ड में है। जहाँ पर हमें दवाई देने की आवश्यकता हो रही है हम दे रहे हैं। चूँकि सर्वे हो रहा है और उसमें यदि किसी को हाई रिस्क हम उसको मानते हैं जिसको सर्दी, खांसी, बुखार होता है, तो ऐसे पेशेंट का हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और उनको हम फॉलोअप भी कर रहे हैं। अब तक कितने मरीज हो चुके हैं? 90 जो पेशेंट हैं वो हो चुके हैं।